बेसिकली जो मेरी दोनों बेटियां हैं, एक मौली से और एक नंदनी से, दोनों बेटियां जो हैं आपस में एक दूसरे से बात नहीं करती है। जो मौली की बेटी है वो ये सोचती है कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते, आई मीन मैं उससे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं उसे छोड़कर चला गया था, और इसलिए वो मुझसे नफ़रत भी करती है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं उसे समझाऊँ मनाऊँ, लेकिन वो स्टिल शी डजंट वांट टॉक टू मी। और तो इसलिए स्टिल जो एक फादरली इंस्टिंक्ट होता है वो ये चाहता है कि कुणाल चाहता है कि वो उसको प्यार करे, वो भी उसको पापा बुलाए, या फिर यू नो जो एक फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है, तो वो उस चीज़ को मिस करता है, और वो चाहता है कि परी और मिष्टी जो दोनों हैं वो वापस दोस्त बन जाएं और कोई झगड़ा ना करें आपस में, क्योंकि दोनों बहनें हैं आफ्टर ऑल। सो इसलिए वो ये चाहता है कि इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो सेंटा के अवतार में आएगा, और इसी बहाने वो यू नो मिष्टी को हक कर सकता है, किस कर सकता है, प्यार कर सकता है एज अ फादर, और एक सीख भी दे सकता है दोनों बच्चों को कि आपस में झगड़ा नहीं करना है, और फेस्टिवल्स होते हैं इसलिए कि मतलब झगड़ों को आप भुला दें और दोस्त बन जाएं। तो वो ये एक प्रॉमिस भी ले लेता है इसी इसी पूरे सीक्वेंस में मिष्टी से कि आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, घर वालों को तंग नहीं करोगे, और अगर आपने यू नो परी से झगड़ा किया तो फिर सेंटा क्लॉज जो है आपकी विश पूरी नहीं करेंगे। सो फिर उसको वो हक भी करती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। सो दैट इज़ द मेन मोटो बिहाइंड दिस बीइंग अ सेंटा। सी कुणाल के लिए तो ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत इमोशनल भी हो जाता है जब वो मिष्टी को हक करता है, उसे किस करता है, और घड़ी घड़ी उसे अपनी गोद में लेने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है एज बींग एज कुणाल। सो एज सेंटा वो फुल यू नो उस मौके का फ़ायदा उठा रहा है कि वो एटलीस्ट अपनी बच्ची से प्यार तो कर सकता है उसी बहाने। मे बी जब वो रियल अवतार में आएगा तो उसे करे ना करे, लेकिन अगर एटलीस्ट इस अवतार में तो उससे वो प्यार कर सकता है। सो इसलिए वो भेस बदल के उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है।